तो बड़ी खबर आ रही है कश्मीर के बड़गांव में। कल आतंकवादियों ने राहुल भट्ट नाम के कश्मीरी पंडित को गोली मार दी थी और आज राहुल का जम्मू में अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस बीच बड़ी खबर, परिवार वाले सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि वहां अंदर जाकर ये तीन आतंकवादी वहां पहुंचे और वहां जाकर बाकायदा नाम पूछा कि कौन राहुल है, उसके बाद गोलियां चलाई गई हैं। तो परिवार वालों का ये कहना है, हालांकि बीजेपी नेता जब मौके पर मिलने पहुंचे हैं तो परिवार वालों ने वहां पर उनसे भी नाराजगी जताई है, क्योंकि बीजेपी और उनकी सरकार लगातार ये कहती रही कि कश्मीरी पंडितों को सुरक्षा दिया जाएगा, पुनर्वास कराया जाएगा, लेकिन ऐसे में अगर इस तरीके की घटनाएं होती है तो सीधे तौर पर सवाल सुरक्षा के लिहाज से उठेगा। परिवार ये भी कह रहा है कि वहां जिस जगह पर पोस्टिंग थी वहां पर बाहर सुरक्षाकर्मी भी नहीं थे, न गार्ड था, इसलिए भी अब सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। तो राहुल भट्ट नाम के कश्मीरी पंडित को गोली कल मार दी गई थी, आज राहुल का जम्मू में अंतिम संस्कार कर दिया गया, लेकिन राहुल की मौत ने कश्मीरी पंडितों के सामने उस सवाल को फिर से और बड़ा कर दिया है जो 30 सालों से उनका पीछा कर रहा है। आखिर अपनी सरजमी पर उन्हें सुकून की सांस कब और कैसे मिलेगी, इसी सवाल को लेकर कश्मीरी पंडित आज जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पंडितों का गुस्सा भड़का तो प्रशासन ने भी बाहें चढ़ा ली है। बड़गांव में प्रदर्शनकारी कश्मीरी पंडितों पर आंसू गैस के गोले छोड़कर भीड़ को तितर बितर किया गया है, उनको वहां से हटाया गया, लेकिन परिवार कई गंभीर आरोप लगा रहा है। वो ट्रांसफर चाह रहे थे लेकिन बावजूद इसके उनको ट्रांसफर नहीं मिला, जिस जगह पर उनकी पोस्टिंग थी वहां कोई सुरक्षा गार्ड तक मौजूद नहीं था, ये बात लगातार परिवार करता रहा, इसलिए भी परिवार के लोग गुस्से में हैं, साथ ही साथ कश्मीरी पंडित भी गुस्से में हैं और इसी गुस्से को अब वो सड़कों तक लेकर आए हैं, सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस ने फिलहाल लोगों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे हैं, हत्या के विरोध में जाम लोगों ने सड़कों पर आकर लगा दिया और जब ये स्थिति पैदा हुई तो पुलिस को वहां से लोगों को हटाने के लिए आंसू गैस के गोले दागने पड़े हैं। इस बीच बीजेपी के जो नेता परिवार वालों से मिलने पहुंचे उनका भी विरोध किया है, उनके खिलाफ भी नारेबाजी परिवार की तरफ से किया गया।